बोल का भी क्या कहना, कब कहां फिसल जाए और चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल भोपाल के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा नेता और पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने अपने ही सरकार के परिवहन मंत्री पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम अली बाबा चाली चोर में गिना दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बता दें, भाजपा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर राजधानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ईदगाह हिल्स के कम्युनिटी हॉल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कांग्रेस और कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को कुशासन का नाम देकर काले गुब्बारे उड़ाए। कांग्रेस नेताओं के नाम अली बाबा चाली चोरों के रूप में गिनाते हुए भाजपा सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी गिना दिया गया। इसी के साथ ही बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि काले गुब्बारे के साथ आज कबूतर भी उड़ाएंगे। वही हंसी ठिठोली करते हुए पूर्व महापौर ने कहा, चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, कमलनाथ उड़, जीतू पटवारी उड़, गोविंद सिंह राजपूत उड़। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में परिवहन मंत्री और बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि भाजपा नेता शर्मा गोविंद सिंह का नाम ले रहे थे, लेकिन भूलवश उन्होंने मेरा नाम ले लिया। हालांकि वीडियो में गोविंद सिंह के अलावा आलोक शर्मा द्वारा गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी लिया गया था। दरअसल एक साल पहले कमलनाथ सरकार से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ 28 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाए गए थे। वही उपचुनाव में सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी नेता की फिसली जुबान के विषय में तो वही जाने, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्री के नाम अली बाबा और चाली चोर गैंग में शामिल करने के बाद अब कांग्रेस का इस पर क्या पलटवार होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, कबूतर उड़ा, कमलनाथ उड़ा, बंटादार उड़ा, राहुल उड़ा, पीसी उड़ा, आरिफ अकील उड़ा, आरिफ मसूद उड़ा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति उड़ा, जीतू पटवारी उड़ा, गोविंद राजपूत उड़ा, सज्जन सिंह वर्मा उड़ा, गोविंद सिंह उड़ा, अली बाबा चालीस चोरों की ये सरकार थी, इसको उड़ाना है नहीं उड़ाना। आज काले गुब्बारों के साथ हम यहाँ कबूतर भी उड़ाएंगे। और आज मध्य प्रदेश के लिए कल बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और आज